नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दमोह से है, जहां भाजपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की टीएमएस सहित भाजपा में वापसी हो गई है। सिद्धार्थ मलैया बुंदेली मेला की प्रेस वार्ता के बाद भोपाल रवाना हो गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नौतम मिश्रा के समक्ष टीएसएम का भाजपा में विलय करते हुए घर वापसी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने सभी लोगों का स्वागत किया। इसके पहले सिद्धार्थ मलैया और उनके सभी साथी गृह मंत्री नौतम मिश्रा के निवास पर पहुंचे। सिद्धार्थ मलैया दमोह विधानसभा से इसी साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा से प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ गए हैं। ऐसे में भाजपा के समक्ष एक बड़ा संकट यही है कि वह टिकट किसे दे। हालांकि लोधी समाज की भाजपा से दूरी का फायदा मलैया को मिल सकता है। दमोह से केकेआर न्यूज के लिए नितिन राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।